जहां मध्य प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव का समय आने वाला है और सरकार कभी भी चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है, वहीं पर अगर देखा जाए जब से नगर पंचायत सुरखी को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, वहां प्रत्याशियों की दौड़ में जो प्रत्याशी सामने आ रहे हैं उनसे हम सीधी बात करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं सुरखी सरपंच महाराज सिंह से सीधी बात, राकेश तिवारी की कलू खान के साथ ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। जहां सागर जिले में दो सीटें जो है नगर पंचायत के लिए आरक्षित हुई है, एक सुरखी जो है नगर पंचायत के लिए घोषित हो चुकी है, जहां चुनाव का संकनंद बहुत ही जल्दी होने वाला है, वहीं पर बिलहरा नगर पंचायत के लिए दर्जा दिया गया है। ऐसी कुल मिला के चार नगर पंचायतों की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरखी में अगर चुनाव का संकनंद देखा जाए, पार्टी स्तर पर अगर क्या व्यवस्था है, बीजेपी किसको टिकट देती है, ये तो बात की बात है, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे बीच में एक सीनियर भारतीय जनता पार्टी के महाराज सिंह ठाकुर हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने राजनीति जो है झंडा लगाने से लेकर झंडा फहराने तक की है, लेकिन जहां वो भी एक दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, महिला सीट है उनके तरह से उनकी श्रीमती जो है चुनाव की तैयारी की है, हम उससे सीधी बात करते हैं। क्या चल रहा है भाई साहब अभी इस समय पर चुनाव को लेकर? अभी तो वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव के बाद में पार्टी नेताओं के संपर्क बाकी के जो हमारी नगर पंचायत पंचायत है सम्मिलित हुई है, सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क जारी है और अपनी अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। कितने लोग सुरखी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है? अब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान में मैं ही एक ऐसा पुराना पार्टी कार्यकर्ता हूं जो दावेदार हूं, बाकी के अभी जो भारतीय जनता पार्टी में नए लोग सम्मिलित हैं वो उम्मीदवार हैं। और एक बात और सामने आ रही है कि महिला सीट है और आप सरपंच रहे हैं जी, पहले आप सरपंच स्वयं रहे हैं या महिला रही हैं? नहीं, मैं स्वयं ही रहा हूं, मेरे परिवार में आज तक के पीरियड में किसी महिला को मौका नहीं मिला है, और अभी चूंकि पिछड़ा वर्ग सीट हुई है महिला, तो इस बार पहली बार हमारे परिवार से कोई महिला उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तभी मैदान में होगी। अभी आपने पार्टी स्तर पर जो है अपना बायोडाटा, जो पार्टी ने कहा है कि बायोडाटा आएगा, एक सर्वे टीम आएगी, सर्वे टीम के अनुसार टिकट का वितरण किया जाएगा, ऐसी जानकारी हमारे पास है, क्या इसमें आपका बायोडाटा भी पहुंचा है? नहीं, अभी संगठन के हिसाब से अभी किसी प्रकार का बायोडाटा की मांग कार्यालय से नहीं हुई है, और अगर होती है तो हम लोग अपना जो हमारा जो कार्यकाल रहा है पार्टी के स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के नाते के, तो वो हम अपना बायोडाटा पार्टी कार्यालय को भेजेंगे। चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? मतलब अब बहुत ही जल्दी चुनाव आने वाले, ज़्यादा दो माह भी नहीं लगना है। चुनाव तो देखो क्या है, पार्टी टिकट जब तय होगा तभी, अभी चुनाव की जो तारीख घोषित नहीं हुई है, बाकी का जो है संपर्क जारी है लोगों से। क्या नाम लिखते भाभी का, क्या नाम? सुषमा महाराज सिंह है, हमारी पत्नी का नाम है सुषमा सिंह है, और मैं चूंकि महाराज सिंह तो सुषमा महाराज सिंह के नाम से। अब देखना है कि सुषमा महाराज सिंह को अगर टिकट मिलता है, शोभा सुरखी नगर पंचायत की ये आगे चल के बढ़ पाती है नहीं, ये तो समय की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज सिंह जो है सरपंच रह चुके हैं, 15 साल से राजनीति सुरखी में की है, हमने बताया आपको झंडा लगाने से भारतीय जनता पार्टी में झंडा लहराने तक की राजनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी से उम्मीद ये जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलेगा तो नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। राकेश तिवारी की रिपोर्ट, कमलेश दुबे के साथ।